Hello dear students, how are you all? I hope you all are well and safe at home. Dear students, today we are going to read chapter 3 from Tasting to Digesting of Standard 5th EVS NCERT. And we are also going to understand the Hindi meaning of this chapter. So let's start our chapter number 3, From Tasting to Digesting. चैप्टर का नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग. ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा. पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. इस चैप्टर में किसकी स्टोरी, क्या पढ़ने को, क्या सीखने को मिलने वाला है हमको, कि फूड जब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट जब हम उसे चखते हैं, स्वाद लेते हैं, चखने के बाद, चबाने के बाद, डाइजेस्ट करने तक की स्टोरी हम इस चैप्टर में समझेंगे कि वो कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे आप उसे च्यू करते हो, क्या क्या हमारे माउथ के अंदर चल रहा होता है, वो सभी प्रोसेस हम इसमें समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंट टेस्टेस से, अलग अलग प्रकार के स्वाद. झुम्पा रैन इन टू द किचन एंड गॉट होल्ड ऑफ हर मदर सेइंग, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला, बिटर गॉड गिव मी गुड़ जैगरी एंड रोटी. माँ स्माइल एंड सेड, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग. झूलन टीस्ट झुम्पा, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली टैमराइंड. I bet your mouth is watering just by hearing the word imli. Sure, I love the sour imli, but I eat sweet and salty things too. I even eat karela, said Jhulan and looked at her mother. They both laughed heartily. क्या मतलब हुआ इसका? झुम्पा झूलन और उनकी मदर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं. झुम्पा दौड़ती हुई किचन में जाती और अपनी मदर को पकड़ लेती और कहती है, माँ मैं ये कड़वा करेला नहीं खाने वाली. कड़वा मतलब बिटर, और बिटर गॉड इंग्लिश में करेले को कहते हैं. क्या? बिटर गॉड. करेले को बिटर गॉड कहते हैं. मुझे गुड़ और रोटी दो. गुड़ के साथ मुझे रोटी चाहिए. गुड़ को कहते हैं इंग्लिश में जैगरी. माँ मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि तुमने सुबह ही रोटी और शक्कर खाया था. फिर झूलन क्या करती है? झूलन आ जाती है. झूलन झुम्पा को चिढ़ाती है, टीस करती है और बोलती है कि क्या तुम एक ही तरह के टेस्ट से, एक ही तरह के स्वाद से बोर नहीं हो जाती हो? फिर झुम्पा उसको तुरंत जवाब देती है. झुम्पा क्या बोलती, रिप्लाई करती है, क्या तुम बोर होती हो इमली लिख करते करते? इमली को इंग्लिश में टैमराइन कहते हैं. इसमें टैमराइन लिखा है, टी ए के बाद आर इसमें नहीं आएगा, स्पेलिंग इसमें रॉन्ग लिखा हुआ है. टी ए एम ए आर आई एन जी, टैमराइन मतलब इमली. लिकिंग का मतलब होता है चाटना. क्या तुम इमली चाटते चाटते बोर नहीं होती हो? बोर होती हो क्या? मैं शर्त लगा सकती हूँ, मैं बैट लगा सकती हूँ, तुम्हारे माउथ में अभी भी वाटरिंग कर रहे हैं, मतलब मुंह में पानी आ रहा है. सिर्फ तुमने इमली का शब्द अकेला सुना है और उससे ही तुम्हारे मुंह में पानी आने लगा. फिर वो बोलती है, श्योर, बिल्कुल, आई लव द सॉर इमली, मुझे खट्टी इमली पसंद है, बिल्कुल पसंद है. सॉर मतलब खट्टी. लेकिन इसके साथ साथ मैं स्वीट और सॉल्टी थिंग्स भी खाती हूँ. मैं मीठी और जो खारी चीज़ें होती हैं, नमकीन, उन्हें भी खाती हूँ खट्टी के साथ साथ. मैं करेला भी खाती हूँ, यहाँ तक कि, झूलन ने कहा. सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर. झूलन बोलती है और अपनी मम्मा की तरफ देखती है. झूलन झुम्पा से कहती है कि मैं सभी चीज़ें खाती हूँ, और अपनी मम्मा की तरफ देखती है. वो दोनों ही बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं, प्यार से हंसने लगती हैं. फिर क्या होता है, झूलन सेड टू झुम्पा, झूलन झुम्पा से कहती है, लेट्स प्ले ए गेम, चलो एक गेम खेलते हैं. यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ, तुम अपनी आँखें बंद करो और मुँह खोला रखो. आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, मैं तुम्हारे मुँह में कुछ डालूंगी, तुम उसको चख कर बताना. यू हैव टू टेल वॉट इट इज़, तुम्हें बताना है कि वो क्या है, तुम्हें चख कर उसे बताना है. झूलन टुक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन ए स्पून एंड पुट देम इन झुम्पास माउथ. झूलन क्या करती है, कुछ बूंदे नींबू के जूस की लेती है एक चम्मच में और उसको झुम्पा के मुंह में डालती है. फिर सॉर लेमन, झुम्पा रिप्लाइड क्विकली. झुम्पा पहचान जाती है और तुरंत जवाब क्या देती है, खट्टा नींबू. वो पहचान जाती है छक कर, एक दो ड्रॉप्स में ही वो पहचान जाती है, जैसे कि पिक्चर में दिया हुआ है. झुम्पा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और झूलन उसे टेस्ट करवा रही है और उसकी मदर साथ में खड़ी हुई है. तो ये पेज नंबर 22 कंप्लीट होता है. 23 पर हम आते हैं. झूलन देन पिक्ड अप ए स्मॉल पीस ऑफ जैगरी. अब नींबू के टेस्ट के बाद झूलन क्या करती है, छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेती है, वो डालती है. तो उसकी मदर उसे सजेस्ट करती है, उसकी मम्मा उसे कहती हैं, क्रश इट, इसके टुकड़े कर दो, इसे थोड़ा सा पीस दो, नहीं तो वो पहचान जाएगी कि ये क्या है. शेप से भी वो पहचान जाएगी, अदरवाइज शी विल नो वॉट इट इज़.
झूलन क्रश्ड द जैगरी बट झुम्पा इजिली गेस्ड इट। झूलन ने जैगरी को गुड़ को क्रश कर दिया, पीस दिया, लेकिन झुम्पा तब भी आसानी से उसे पहचान गई। टेस्ट करने के बाद दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स, उन्होंने अलग अलग फूड आइटम्स के साथ उस गेम को खेला। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट, और यहाँ तक कि झुम्पा ने फ्राइड फिश को मछली, फ्राइड मछली मतलब फिश को भी बिना टेस्ट करे ही पहचान लिया। झूलन से झूलन ने कहा नाउ क्लोज योर नोज, कैसे पहचाना था उसने उसे, स्मेल करके, फ्राइड फिश को सूंघ कर उसने पहचान लिया था। फिर उसके बाद क्या होता है, झूलन कहती है अब अपनी नाक बंद कर लो एंड टेल मी व्हाट दिस इज़, और मुझे बताओ कि ये क्या है। झुम्पा वॉज कन्फ्यूज, झुम्पा थोड़ी कन्फ्यूज हो गई, इट इज़ ए बिट बिटर, वो बोलती है थोड़ा सा कड़वा लग रहा है, अ लिटिल सॉल्टी, थोड़ा सा नमकीन लग रहा है, एंड समवॉट सॉर, और थोड़ा सा खट्टा लग रहा है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल, मुझे एक चम्मच और भर के दो। झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला, झूलन ने दूसरी चम्मच भर के क्या दिया उसको, पका हुआ करेला, मतलब करेले की सब्जी दी। पहले उसने उसको करेला ही खिलाया था, आंखें बंद थी जब उसकी, वापस से उस चम्मच भर के करेला उसे खिलाती है। अनकवर्ड झुम्पाज आइस, और झुम्पा की आइस को अनकवर्ड कर देती, आंखों पे से पट्टी हटा देती है झुम्पा की, एंड सेड, और कहती है हेयर इट इज ईट, ये रहा खाओ इसे। झुम्पा लाफ, झुम्पा हंसने लगती है और बोलती यस गिव मी मोर, हाँ मुझे और चाहिए। अब उसे समझ में आता है कि जब वो देखकर उसे खा रही थी तो उसका मन नहीं कर रहा था उसे खाने को, उसे लग रहा था कि ये जो करेला है वो कड़वा लगेगा, लेकिन उसने तो उसे कुक्ड करेला दिया था जब उसकी आंखें बंद थी, तो कुक्ड करेले को खाने के बाद वो समझ नहीं पाई कि ये करेला है। उसे नमकीन भी लगा, खट्टा भी लगा, मीठा भी लगा, क्योंकि उसको उसकी मदर ने बहुत सारे स्पाइसेस मसाले के साथ मिक्स करके बनाया था, तो उसका टेस्ट चेंज हो गया। तो अब झुम्पा को वो अच्छा लगने लगा, और झुम्पा कहती हाँ मुझे और चाहिए। इसके बाद दिया हुआ है डिस्कस एंड राइट, डिस्कस करके आपको यहाँ पर लिखना है, एक्टिविटी आपको खुद बता सकते हो आप। झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली, झूलन के मुंह में पानी आने लगा जैसे ही उसने इमली शब्द का नाम सुना। व्हेन डज योर माउथ वाटर, आपके मुंह में पानी कब आता है। आपको ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखने, लिस्ट बनानी है जो आपको खाना पसंद है, और उनके टेस्ट के बारे में आपको बताना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके नाम सुनते ही आपके मुँह में पानी आने लगता होगा, जैसे कि अचार, पिकल, उनको सुनकर पानी आने लगता है, और जो नींबू का अचार हो गया या नींबू हो गया, खट्टी चीज़ों को क्या नाम सुनते ही और सूंघते ही पानी आने लगता है मुंह में, और जो आपको पसंद होती है उनको सुनते ही आपके मुंह में पानी आने लगता होगा। तो आपको बताना है कौन कौन सी चीज़ें आपको पसंद है और उनका टेस्ट कैसा है, ऐसी 5 थिंग्स के बारे में आपको बताना है। Do you like only one kind of taste or different ones? Why? क्या आपको एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग तरह का स्वाद पसंद है, और क्यों? हाँ, हमको अलग अलग तरह का स्वाद पसंद है, क्योंकि एक ही स्वाद को लेते लेते हमारा माउथ भी बोर हो जाएगा और हमें डिफरेंट टाइप्स के चीज़ों को टेस्ट करना पसंद होता है। झूलन पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पाज माउथ, डू यू थिंक वी कैन मेक आउट ऑफ द टेस्ट विद जस्ट ए फ्यू ड्रॉप्स। झूलन ने सिर्फ कुछ बूंदें डाली थी नींबू के जूस की झुम्पा के मुंह में, क्या आपको लगता है कि सिर्फ कुछ बूंदों से वो टेस्ट करके बता सकती है। हाँ, कुछ बूंदें इनफ होती, काफ़ी होती हैं, नींबू के जूस की तो कुछ बूंदों से ही पता चल जाता है कि वो नींबू है। इफ़ समवन वर टू पुट ए फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ, एनी सीड ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आइज क्लोज्ड हाउ। यदि कोई आपके माउथ में, आपके जीभ में, टंग में कुछ दाने, कुछ बीज सौंफ के रखता है, सौंफ को इंग्लिश में बोलते हैं एनी सीड, तो क्या आप बता सकते हो, यदि आपकी आंखें बंद हैं तो आप बता सकते हो कि वो क्या है और कैसा है, कैसे बता सकते हो आप उसे। हाँ, हम बता सकते हैं, क्योंकि कुछ दाने रखते ही सौंफ के हमें हमारी जीभ में मीठा मीठा स्वाद आने लगता है, इसलिए हम बता सकते हैं। चलिए पेज नंबर 24 पर आते हैं। हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश, झुम्पा ने फ्राइड फिश को कैसे पहचान लिया। कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, व्हाट आर दीज थिंग्स। क्या आप कुछ ऐसे नाम बता सकते हैं जो सिर्फ आप सूंघकर बता सकते हो, बिना देखे, बिना खाए, बिना चखे बता सकते हो सिर्फ सूंघकर, तो वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो झुम्पा ने फ्राइड फिश को स्मेल करके पहचान लिया था। ऐसे कई और चीज़ें हैं जिन्हें हम सूंघकर पहचान लेते हैं, जैसे कि आम, मैंगो को आप बता सकते हो, और आप अनियन को भी बता सकते हो, प्याज की स्मेल भी आपको आने लगती है, लहसुन की स्मेल आने लगती है, जिसे आप सूंघकर बता सकते हो कि वो क्या है।
Has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? क्या कभी आपसे किसी ने कहा है कि दवाइयाँ लेने से पहले आप अपनी नाक बंद कर लो, नाक बंद करके दवाइयाँ लो? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने आपसे? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ मेडिसिंस की, कुछ दवाइयों की स्मेल से ही हमें समझ में आने लगता है कि वो खाने पर कैसी लगेंगी, खाने पर कड़वी लगेंगी, मीठी लगेंगी, वो हम उन्हें सूंघकर बता देते हैं, जैसे जो सिरप होते हैं लिक्विड वाले। तो इसलिए बोलते हैं कि नोज़ को क्लोज करके आप उन्हें ले लीजिए, तो आपको उनका टेस्ट समझ में नहीं आएगा। यदि आप उसे पहले ही सूंघ लोगे तो आपको लगेगा ये तो कड़वी और आप उसे खाओगे नहीं, खाओगे पियोगे नहीं। तो इसलिए बोलते हैं नाक बंद करके आप मेडिसिन ले सकते हो, क्योंकि नोज़ हमारी स्मेल कर लेती है, टेस्ट को, टेस्ट बता देती है। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको क्लोज योर आइज़ एंड टेल वाली एक्टिविटी दी हुई है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना इनफ है। पेज नंबर हमने कहाँ तक कंप्लीट किया, 24 के वन पैराग्राफ तक हमने इसको कंप्लीट किया है। वी विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद अवर न्यू टॉपिक। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। नए टॉपिक के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। थैंक यू सो मच टू जॉइन द क्लास।